तो नमस्कार दोस्तों, अपन आज बात करेंगे पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट या डेट ऑफ लिविंग, काम छोड़ने की जो दिनांक होती है वो कैसे अपडेट की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब डेट ऑफ एग्जिट कैसे डालते हैं, तो मैंने ये एक जिसकी डेट ऑफ एग्जिट ढालनी है उसको लॉगिन करके रख लिया है। तो डेट ऑफ एग्जिट ढालने के लिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि डेट ऑफ एग्जिट ढालनी क्या है, कब ढालनी है। तो ये जो मैनेज का ऑप्शन आ रहा है इस पे अपन क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लास्ट में मार्क एग्जिट के नाम से ऑप्शन आ रहा है, तो इस पे अपन क्लिक कर देंगे। मार्क एग्जिट पे क्लिक किया तो ये आगे बढ़ेगा। तो जैसे ही क्लिक करेंगे अपन मार्क एग्जिट पे, यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये कंपनी का नाम पूछेगा कभी कौन सी कंपनी में एक या दो से ज़्यादा हो तो आप में अपने पास में ओनली एक ही कंपनी है बंसल जो भी है। यहाँ पे अपन चेक कर लेंगे कि एम्प्लॉयर लास्ट कंट्रीब्यूशन मई 2017 तक का दिखा रहा है, और अपन पासबुक में भी चेक कर लेंगे कि पासबुक में कंट्रीब्यूशन कैसे चेक करते हैं, लास्ट कंट्रीब्यूशन कब का दिखा रहा है। अगर ये यहाँ पे सही है तो उसी के अनुसार अपने को ढालनी है, गलत बिल्कुल भी नहीं ढालनी है। तो यहाँ पे अपन सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट, किस डेट को अपन हम एग्जिट हुए हैं वो डेट अपन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये मई दिखा रहा है, तो मई में कौन सी तारीख को, तो ज़्यादातर केसों में क्या होता है जो लास्ट महीने की जो लास्ट डेट होती है उस पे अपन एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे ये 31 मई आ रहा है, फिर ये दूसरे वाले में री सेलेक्ट करवा रहा है, तो अपन री सेलेक्ट भी वही सेम है, वो का वही कर देंगे। फिर उसके बाद में सिलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो जो भी 99% जो केसेज होते हैं वहाँ पर जो लास्ट रीजन है सिसेशन शॉर्ट सर्विसेज एनी अदर रीजन्स, इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये चेक बॉक्स आ रहा है, तो इसको टिक कर देंगे अपन। टिक करने के बाद में ये रिक्वेस्ट ओटीपी, तो ये ओटीपी, फिर ये उसके बाद में ये पॉपअप खुल के आएगा कि हैव यू रीड द पॉइंट्स केयरफुली, कि आपने ये पॉइंट्स केयरफुली पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़ लिए। तो अपन ये इस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, और ये सेंडिंग ओटीपी जा रहा है। ये यहाँ पे ये ओटीपी चला गया है। यहाँ पे अपन देखो बाकी क्या प्रोसेस रहेगी। यहाँ पे 6 डिजिट का जो आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर होते हैं उस पे ओटीपी जाता है, यहाँ पे ओटीपी डाल देंगे। यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स आ रहा है, चेक बॉक्स को क्लिक करके, जैसे चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने ओटीपी डालेंगे, पहले ओटीपी अब डाल देते हैं अपन, डाल के फिर उसके बाद में देखते हैं। यहाँ पे अपने ओटीपी डाल दिए, ओटीपी डालने के बाद में चेक बॉक्स आ रहा है, इसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे अपन सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। ये फिर वापस पॉपअप खुलेगा कि आर यू श्योर वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, यहाँ अपन श्योर है तो अपडेट पे क्लिक कर देंगे। जैसे एग्जिट डेट अपडेट हो जाएगी तो यहाँ पे अपने पास में ये पॉपअप खुल के आ जाएगा कि डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे अपन ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।